नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवेशन चार्जिंग, कि किसी वस्तु को चार्ज देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु पर चार्ज उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे जिसको हम आवेशन कहते हैं। किसी भी वस्तु को चार्ज देने का अर्थ यह है कि उस वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न करना है। धनावेश या ऋणावेश कैसे उत्पन्न होगा, उसकी तीन विधियां हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। एक-एक करके हम इनको देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आवेशन क्या है। किसी भी वस्तु पर आवेश को प्रकट करने का तरीका, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का तरीका आवेशन कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। अब देखिए, आवेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर ऋणावेश आएगा, और जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धनावेश आएगा। इट मीन्स ये हुआ कि किसी भी वस्तु का आवेशन होना, चार्जिंग होना, वो इलेक्ट्रॉन द्वारा ही संभव है। या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है। आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान भी बदल जाता है। आवेशन की प्रक्रिया के दौरान जैसे हम ये कंसिडर कर लें, ये हमारे पास में कोई वस्तु है, उदासीन है। इट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पहले से कोई चार्ज उपस्थित नहीं है। और जब ये वस्तु धनावेशित होती है, धनावेशित होने का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। और जब इसी वस्तु पर ऋणावेश आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो आवेशन की प्रक्रिया में वस्तुओं का द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा। धनावेशित वस्तु, यदि वस्तु धनावेशित हो रही है तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, और यदि वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ये तो आवेशन की मूलभूत बात है। फिर हम बात करेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की तीन विधियां हैं, और उनमें से जो पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन की सबसे पहले खोजी गई जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में एक्चुअल में होता क्या है, दो कुचालक वस्तुओं को एक दूसरे के साथ में रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या अंबर को ऊन के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तब उन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमें और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कांच की छड़ को आप रगड़ रहे हैं रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से आवेश यहां चला जाता है तो ये हो जाती है धनावेशित। कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी, और रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसके अलावा जब हम बात करें बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को आप रगड़िए, प्लास्टिक की छड़ से रगड़ सकते हैं, एबोनाइट की छड़ से आप इसको रगड़ सकते हैं। जब बिल्ली की खाल से प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और प्लास्टिक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिससे बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाएगी, प्लास्टिक की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाएगी, एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाएगी। इसी तरीके से आप ले सकते हैं यहां पर पक्षियों के पंख, और पक्षियों के जो पंख है उसको आप फिर से प्लास्टिक की छड़ से, एबोनाइट की छड़ से रगड़ दें तो पक्षियों के पंख तो धनावेशित हो जाएंगे, और ये एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़ या जो एम्बर है वो ऋणावेशित हो जाएगा।
तो विद्यार्थियों, जब दो कुछ अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले वो वस्तु धनावेशित, जिस पर इलेक्ट्रॉन आए वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यह है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसके बाद में हम बात करेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने की जो विधि है वो सबसे आसान विधि है। इसमें एक कुचालक वस्तु, एक उदासीन वस्तु लेंगे और एक आवेशित वस्तु लेंगे। जैसे हम कंसीडर कर लें, हमारे पास में दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है आवेशित, ये वस्तु है आवेशित और ये वस्तु है अनावेशित। इसका मतलब हो गया इसके ऊपर पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है और इनको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा है। ये जो आप देख रहे हैं वो है कुचालक स्टैंड, ये भी कुचालक स्टैंड है। ये वाली वस्तु आवेशित है, इसके ऊपर हमने कंसीडर कर लें कि धनावेश है, धनावेश के स्थान पर आप ऋणावेश भी ले सकते हैं। चालन द्वारा आवेशन का मतलब ये है कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर आवेशन करना। जब इस वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे तो ये जो आवेश है वो इस पर भी चला जाएगा। जैसे इसके संपर्क में लाएंगे तो आवेश दूसरी वाली वस्तु पर भी स्थानांतरित हो जाएगा। जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो यहां से कुछ धनावेश है वो दूसरी वाली वस्तु पर भी स्थानांतरित हो जाएगा, जिसको हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे आवेशन की तीसरी विधि और सबसे इंपॉर्टेंट विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन की। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहा जाता है कि किसी अनावेशित वस्तु को बिना छुए, बिना संपर्क में लाए उस वस्तु को आवेशित करने की विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। हमारे पास में एक अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का अर्थ यह है कि उस वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, यह एक अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु है और इस वस्तु पर कुल आवेश शून्य है। इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रखा है, इस वस्तु को कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? एक हम आवेशित वस्तु लेंगे, आवेशित वस्तु के रूप में हमने एक छड़ ली है, ये आवेशित छड़ है। ये आवेशित छड़ आप धनावेशित भी ले सकते हैं, ऋणावेशित भी ले सकते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाली जो छड़ है वो धनावेशित छड़ है। हमने ये वाली छड़ धनावेशित ली है, ये अनावेशित वस्तु है। अब इस वस्तु, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना फिर भी इस वस्तु को आवेशित करने की जो विधि है उसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस आवेशित छड़ को हम इस अनावेशित वस्तु के पास में लेकर आएंगे, लेकिन संपर्क में नहीं लाएंगे। एकदम पास में ला रहे हैं लेकिन संपर्क में नहीं लाएंगे। जैसे ही ये धनावेशित छड़ इस अनावेशित वस्तु के पास में आएगी तो इस वस्तु में उपस्थित जो आवेश है उसमें प्रेरण उत्पन्न होगा। प्रेरण इस धनावेश से, इसमें उपस्थित जो धनावेश है वो प्रतिकर्षित होकर दूर वाले पृष्ठ के ऊपर चला जाएगा। ये धनावेश है, इसमें उपस्थित जितना भी धनावेश है वो इससे प्रतिकर्षित होकर दूर वाले पृष्ठ पर चला जाएगा और इसमें उपस्थित जो ऋणावेश है वो आकर्षित होकर इससे आकर्षित होगा और इस नजदीकी पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा। इस घटना को हम कह रहे हैं प्रेरण। यहां पर इस वस्तु को हमने छुआ भी नहीं फिर भी इसमें आवेश सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, प्रेरित हो गए। अब देखिए विद्यार्थी, अभी ये वस्तु आवेशित नहीं हुई है। इसको आवेशित करने के लिए हम इस का जो दूसरा पृष्ठ है उसको ग्राउंड से जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया, जमीन से जोड़ दिया,
जैसे इसको भू संपर्कित करेंगे, यहां से जो धनावेश है वो भूमि में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। यहां से जो धनावेश है वो कहां चला गया? भूमि में चला गया, ग्राउंड में चला गया। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे अगली स्टेप में, यहां से इस भू संपर्कण को तथा इस आवेशित छड़ को यहां से हटा लेंगे, तो ये जो ऋणावेश है वो पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये जो ऋणावेश है हमारे को क्या करना है, ये भू संपर्कण भी हटाना है, इस धनावेशित छड़ को भी यहां से हटाना है, तो ये जो ऋणावेश है उससे पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में वस्तु अनावेशित वस्तु थी, इस वस्तु को हमने आवेशित छड़ से ही, आवेशित वस्तु से ही आवेशित किया है, बट इसको बिना छुए ही किया है। इस विधि को ही हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि में हम एक चीज और देखेंगे, हमने यहां से जो धनावेश था उसको ग्राउंड में भेजा, एक्चुअल में जो धनावेश है वो ग्राउंड में नहीं जाता, यहां से कुछ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो यहां आकर उन धनावेशित जो धनावेश होता है उसको उदासीन कर देंगे। तो एक्चुअल में धनावेश का मतलब तो यहां पर आयन से है, परमाणु का आयन बन जाता है, ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां पर आ जाएंगे और जो धनायन है वो यहां पर रहता है, लेकिन परमाणु तो खुद तो गति करेगा नहीं, यहां से ही इलेक्ट्रॉन आकर उनको उदासीन कर देंगे। हालांकि बोलने में कहने में तो यही कहा जाता है कि धनावेश है वो ग्राउंड में चला जाता है, एक्चुअल में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उन धनावेशों को उदासीन कर देंगे। इन दोनों को हटा लेने के पश्चात जो वस्तु है उस पर ऋणावेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि चालक है तो इसके ऊपर एक समान रूप से आवेश विद्यमान होगा। देखिए विद्यार्थियों, यदि यहां पर हम आवेशित छड़ के रूप में ऋणावेशित छड़ लेते यहां पर, अब मैं ऋणावेशित छड़ लेकर दिखा रहा हूं, इसके स्थान पर यदि हम ऋणावेशित छड़ ले लें कि ये हमारे पास में ऋणावेशित छड़ है, ये वाली भी ऋणावेशित छड़ है, तो यहां से इस वाले पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रकट हो जाएगा, यहां पर ऋणावेश प्रकट हो जाएगा, और यदि ये भाग ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो इस वाले पृष्ठ पर जितना भी आवेश उत्पन्न हुआ वो सारा सारा भू जमीन में चला जाएगा, भू संपर्कित वाले भाग से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि बाद में सिर्फ धनावेश बचेगा जो कि पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक विधि और है, एक साथ हम दो गोलों को भी आवेशित कर सकते हैं। दो गोलों को कैसे आवेशित करें, इसके लिए हम एक साथ में दो गोले लेंगे, जैसे हमारे पास में दो कुचालक स्टैंडों पर रखे हुए गोले हैं, एक गोला ए है दूसरा गोला बी है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर भी हम एक आवेशित छड़ लेंगे, दो यहां पर अनावेशित वस्तुएं हैं ए और बी, अब इनको कैसे आवेशित करेंगे? पहली स्टेप में तो ये हमने लिया है दो कुचालक वस्तुएं, सॉरी दो अनावेशित वस्तुएं जिनको कुचालक स्टैंडों पर रखा हुआ है और एक आवेशित छड़ ली है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दोनों जो गोले हैं उनको एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे, यहां पर इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे, ये ए है ये बी है, हालांकि जो आवेशित छड़ है उसको इसके संपर्क में नहीं लाना है, इन दोनों के बीच में गैप आपको दिख रहा होगा, मतलब संपर्क में तो लाना ही नहीं है, तो इसके इस वाले पृष्ठ के ऊपर तो ऋणावेश प्रकट हो जाएगा प्रेरण के द्वारा, क्योंकि ये जो ऋणावेशित छड़ है वो इन दोनों में मौजूद जितना भी धनावेश है उसको आकर्षित करेगा और इस वाले पृष्ठ के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, दूर वाले पृष्ठ के ऊपर, दूसरे गोले के दूर वाले पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश प्रकट हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या किया जाता है विद्यार्थियों, यहां से इस छड़ को हटा लेते हैं, इस छड़ को हटा लेंगे और इन दोनों गोलों के बीच में थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं, थोड़ा सा गैप देंगे, तो देखिए विद्यार्थियों ये जो इनके अंदर मौजूद आवेश प्रेरित हुआ वो नजदीकी पृष्ठों पर आ जाएगा,
इसके ये ऋणावेश है वो यहां आ जाएगा, ये जो धनावेश है इसके इस वाले पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा, दोनों पृष्ठों नजदीकी पृष्ठों पर आ जाएगा यदि इनको संपर्क में ही रखेंगे। यदि इनको संपर्क में ही रखा जाता है तो वापस ये आवेश मिल जाएगा, कुल आवेश जीरो हो जाएगा, दोनों ही गोले उदासीन हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, दोनों गोलों को अलग करेंगे फिर इस छड़ को हटाएंगे, तो ये वाली स्थिति देखने को मिलेगी। फिर हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को ही थोड़ा सा दूर रखते हैं। थोड़ा सा जब इनको दूर रखा जाता है, थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर रखा जाता है, तो ये वाला गोला है वो एक समान रूप से ऋणावेशित हो जाएगा और दूसरा वाला जो गोला है वो एक समान रूप से धनावेशित हो जाएगा। ये ए है, ये है बी है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो विधि थी वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। इस टॉपिक में हमने देखा है आवेशन और आवेशन की विधियां। अगले वीडियो में हम देखेंगे कूलाम का नियम। धन्यवाद।